हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और हर कोई चाह रहा है कि कोरोना वायरस का सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जा सके। और इसके लिए जो हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी जी, उन्होंने अपने एक वीडियो में इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने की कोशिश की। उस वीडियो में उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की बात की है। उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन है अब ये इसका सोल्यूशन नहीं रहा है, और जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हमने ऑलरेडी अटेन कर ली है, और इसीलिए अब इसका जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो है हर्ड इम्यूनिटी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात की है, क्या एक्चुअल में वो हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं खुद उनका फॉलोअर हूं, और इसीलिए यहां पर सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे हैं जो भी चीजें उन्होंने कही है उसके बलबूते पर। तो आइए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने उनकी वीडियो में क्या कहा है। उन्होंने रेशो निकाला, मतलब जो टेस्टिंग हो रही है और जो केसेस है उनका उन्होंने रेशो निकाला। मतलब 10 लाख जब टेस्टिंग हुई थी तो 40,000 केसेस थे, जब 20 लाख टेस्टिंग हुई तो 80,000 केसेस थे। मतलब रेशो निकलता है 4% का, जितनी भी टेस्टिंग हो रही है उसके 4% केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने पूरे देश का, अगर हम देखें 130 करोड़ लोग हैं, उनका अगर हम 4% निकाले तो हमें 5 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन जो विलेजेस में लोग हैं उन्हें हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो अर्बन एरियाज के हम निकालते हैं तो 80% अगर हम डिडक्ट कर लेते हैं तो 1 करोड़ के आसपास केसेस एट प्रेजेंट इंडिया में है, ऐसा उन्होंने उनके वीडियो में कहा। अब 1 करोड़ जब केसेस है तो उन्होंने कहा कि जब 1 करोड़ केसेस हो ही गए हैं तो हमने हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अटेन कर ली है। अब लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं होता है, इसे कंट्रोल करना अब ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो गया है, और इसीलिए अब हर्ड इम्यूनिटी जो हमने अटेन कर ली है यही इसका सोल्यूशन हो सकता है। उसी के साथ साथ उन्होंने जो डेथ रेट है उसकी भी बात की। हमारे देश में जो यंगर जनरेशन है वो काफी ज्यादा है, जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और इस वजह से अगर पूरे दुनिया के मुकाबले देखा जाए तो हमारे देश में जो डेथ रेट है वो काफी कम है। अब देखिए, जो सोल्यूशन की उन्होंने बात की हर्ड इम्यूनिटी की, तो सबसे पहले तो हम हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है वो यहां पर समझ लेते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश पर कोई टेररिस्ट हमला करता है तो क्या होगा, हमारे जो सोल्जर्स है वो उस टेररिस्ट को मार भगाएंगे। उसी तरीके से हमारे शरीर पर भी अगर कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा जो शरीर है वो उनके अगेंस्ट में जो सोल्जर्स है वो क्रिएट करता है, उन सोल्जर्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। जब हमारे शरीर में वो एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो फिर वो उस वायरस से लड़ते हैं, उस वायरस को मार भगाते हैं, फिर उसके बाद हम रिकवर्ड हो जाते हैं। अब मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक बार हमारे शरीर में कोई वायरस आता है फिर हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेता है, और एंटीबॉडीज उस वायरस को मार भगाते हैं, और फिर हम जब रिकवर्ड हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि उस वायरस के लिए अब हमारा शरीर इम्यून हो चुका है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ चुकी है। मतलब अगर फिर से वो वायरस हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करे तो पहले से ही सोल्जर्स मौजूद है, वो उसको घुसने ही नहीं देंगे। तो इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब अगर ये इम्यूनिटी मोस्ट ऑफ द लोगों को, देश के मोस्ट ऑफ द लोगों को अगर ये इम्यून सिस्टम आ जाती है, अगर उनकी शरीर इम्यून हो जाता है, तो फिर उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब कि अगर समझ लीजिए कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन देश की वो अगर इससे रिकवर्ड हो चुकी है, उनके शरीर में अगर एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या फिर से वायरस उन पर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। अब तो हम यहां पर एग्जांपल के तौर पर कंसीडर करते हैं कि हमने आज लॉकडाउन कंप्लीटली खोल दिया, कंप्लीटली लॉकडाउन खुल गया है, जैसे हम नॉर्मली जी रहे थे उसी तरीके से हम जी रहे हैं। किसी भी देश ने हर्ड इम्यूनिटी अटेन की है या नहीं की है ये कैसे पता चलेगा? जब उस कंट्री की 60% पॉपुलेशन अगर रिकवर्ड हो जाती है, मतलब 60% पॉपुलेशन रिकवर्ड हो रही है, इन्फेक्ट होकर रिकवर्ड हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि उस देश ने हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर ली है। तो अब हम थोड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हमारे देश में टोटल 130 करोड़ आबादी, हम लेते हैं कि 130 करोड़ जो है हमारे देश की आबादी है, और जब हम लॉकडाउन कंप्लीटली ओपन कर देंगे तो बट ऑब्वियस है कि लोग विलेजेस में भी ट्रैवल करेंगे, सब जगह ट्रैवल करेंगे, तो यहां पर जो वायरस है वो हर जगह जा सकता है। तो हम यहां पर 130 करोड़ की आबादी पूरी लेते हैं, तो अगर हम 130 भी छोड़िए, हम लेते हैं 100 करोड़ की आबादी, ठीक है, हम 30 करोड़ निकाल देते हैं तो 100 करोड़ की टोटल हम आबादी कंसिडर करते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी कब अटेन होगी? जब 60% लोग इससे रिकवर्ड हो जाएंगे। 60 नहीं, हम 50% पकड़ते हैं, सेफर साइड 50%। तो 100 करोड़ की आबादी का 50% कितना होता है? वो होता है 50 करोड़। मतलब 50 करोड़ लोग कम से कम इन्फेक्ट होने चाहिए, रिकवर्ड होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारे देश ने हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर ली है। अब संदीप महेश्वरी जी ने उनके वीडियो में जो अर्बन एरिया है उसे कंसिडर किया था, हम भी यहां पर अर्बन एरियाज को कंसिडर करके देखते हैं। अब 130 करोड़ की आबादी में से हम 100 करोड़ निकाल देते हैं, सिर्फ 30 करोड़ कंसिडर करते हैं, ठीक है, हम 30 करोड़ लोग सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। तो 30 करोड़ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी अटेन हो गई है हम कब कहेंगे? जब इसके 50% लोग रिकवर्ड हो जाएंगे। तो 30 करोड़ का 50% कितना होता है? 15 करोड़।
मतलब 15 करोड़ लोग जब रिकवर्ड हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि हमारे देश ने हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर ली। तो जब हम रिकवर्ड पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तब हमें डेथ रेट पर भी नजर डालना चाहिए। तो जब हमने पूरे देश की जब पॉपुलेशन है वो कंसिडर की थी 100 करोड़, और हर्ड इम्यूनिटी अटेन करने के लिए लगेंगे 50 करोड़ जो रिकवर्ड है। अब 50 करोड़ लोग अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो अगर डेथ रेट देखा जाए तो वैसे तो 3% है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं 1%, मतलब 1% लोग जो है अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उनकी डेथ हो रही है। तो अगर 50 करोड़ लोग इन्फेक्ट होंगे 1% के हिसाब से अगर डेथ रेट भी देखा जाए 50 लाख लोग उनकी यहाँ पर डेथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज की। जो हमने अर्बन एरियाज में कंसिडर किया था 30 करोड़ की पॉपुलेशन हमने कंसिडर की थी, उसका 50% हर्ड इम्यूनिटी अटेंड करने के लिए 50%, मतलब 15 करोड़ लोग वहां पर रिकवर्ड होने चाहिए। 15 करोड़ लोग इन्फेक्ट अगर हो रहे हैं तो उसमें अगर 1% देखा जाए डेथ रेट तो कितने लोग यहां पर डेथ हो सकती है, 15 लाख के आसपास लोगों की यहां पर डेथ हो सकती है। अब देखिए बोलना काफी आसान होता है कि यूएसए में वैसे भी हर साल फ्लू से इतने लोग मरते हैं, हमारे देश में भूखमरी से वैसे भी इतने लोग जो है वो मरते हैं, तो क्या हो रहा है इसमें भी इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए 15 लाख छोड़िए 1 लाख कंसिडर कीजिए कि अगर 1 लाख लोग भी मर रहे हैं तो क्या उन 1 लाख लोगों में से क्या आपकी फैमिली में से कोई हो, क्या आप वो सोच सकते हो, क्या आप वो इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, मुश्किल नहीं नामुमकिन है इमेजिन करना। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ठीक है हम हर्ड इम्यूनिटी जो है वो सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर इतने लोग जो है सिर्फ इतने लोगों की यहाँ पर डेथ होगी, एक ही मतलब 3% 1% यहाँ पर डेथ रेट है, ये हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। अब आते हैं हम दूसरे साइड पर, डेथ रेट जो है वो 1% कंसिडर हमने किया है तो उस पर भी हम थोड़ा नजर डालते हैं। इंडिया में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम डेथ रेट देखा गया है और ये बोला जा रहा है कि यंगर पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम सबसे स्ट्रांग है। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि लोगों को बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से, है ना, मतलब अब यहां पर वो घर में रह पा रहे हैं, खुद की केयर कर पा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां यंगर जनरेशन ज्यादा है तो दूसरी तरफ इंडिया को डायबिटिक का कैपिटल भी बोला जाता है, इतने ज्यादा लोग इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ जो इंडिया है वहां पर विलेज में काफी ज्यादा लोग रहते हैं जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी? अब तक वो वायरस वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है शायद लॉकडाउन की वजह से, ऐसा हम बोल सकते हैं कि लोग यहां पर घर में रह पा रहे हैं। अब एक मेरा एक दोस्त है, एक दोस्त कुछ काम के लिए घर पर आया था तो बाहर ही रुका हुआ था। उसको जब पूछा गया तो उसने कहा कि हमें तो ज्यादा यहां पर सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि घर में पेशेंट है, उसके जो फादर है उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है तो वो ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ खोल दिया जाए तो उसे मजबूरन ऑफिस में जाना पड़ेगा, मजबूरन लोगों से मिलना पड़ेगा, मजबूरन वो कॉन्टैक्ट में आएगा, उसे अगर वायरस होता है तो उसके घर में भी वायरस आएगा, तो इससे डेथ रेट सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यंगर जनरेशन बाहर गई वो इन्फेक्ट हो गए और वो रिकवर्ड हो गए, अगर उन्हें होता है तो उनकी फैमिली को होना ही है। हमने कितना देखा है कि एक फैमिली के ही कितने सारे लोग जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो अगर एक को होता है तो पूरी फैमिली को होगा, उसमें हम यहाँ पर जो एल्डरली लोग हैं उन्हें प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लॉकडाउन जो है शायद हम ये बोल सकते हैं कि उसने ये रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि लोगों को बाहर नहीं जाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो खुद को प्रिवेंट कर पा रहे हैं और इसलिए वायरस जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो पा रहा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज हम देखते हैं कि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाते हैं, हमने लॉकडाउन खोल दिया, तो क्या हेल्थ केयर सेक्टर पर बर्डन नहीं आएगा? अब यहां पर अगर मुझे कोरोना वायरस होता है और मुझे सर्दी होती है, मुझे खांसी होती है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊंगा तो क्या डॉक्टर मुझे ये बोलेगा नहीं नहीं हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, तुम घर पे जाओ, कोई फर्क नहीं है, कितना भी आने दो कुछ आने दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? ऐसा तो होगा नहीं, उसे मुझे लेना ही पड़ेगा, वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे तो और ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, और ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होंगे और जो हेल्थ केयर सेक्टर है उनका बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं तो वहां पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है, वो यहाँ पर बियर कर सकते हैं कि ज्यादा ज्यादा लोग भी अगर इन्फेक्ट होते हैं तो वहां पर आकर उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारे देश में क्या हेल्थ रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल है? नहीं है। तो पूरा क्योस मच जाएगा, अगर ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो तो पूरा क्योस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, पर मारपीट हो सकती है, यहाँ पर जो वॉयलेंस है वो हो सकता है। और जो हम यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की भी बात कर रहे हैं तो ये भी अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। अब देखिए जो नॉर्मली वायरसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो एंटीबॉडीज जो है वो उसे प्रिवेंट करते हैं, हमारा शरीर इम्यून हो जाता है उस वायरस से, फिर से हमें वो वायरस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है ये नया वायरस है
और उसी के साथ साथ ये अपने आप को म्यूटेट भी करता है। म्यूटेट का मतलब क्या है कि अगर मेरे अंदर वो वायरस जाता है तो मेरे अंदर वो म्यूटेट करेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज करेगा, और अगर वो दूसरे के शरीर में जाता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी चेंज रहेगी जो मेरे अंदर वायरस है उसके मुकाबले। फिर ऐसे करते 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 हो सकता है कि जब वो 100 लोगों को इन्फेक्ट कर दे या 200 लोगों को इन्फेक्ट कर दे तो वायरस कंप्लीटली अलग रहे। और ये भी अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि जो इम्यूनिटी मुझे मिल रही है वो कितने दिनों की है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोरोना वायरस होता है और मैं रिकवर्ड हो जाता हूं तो मेरे अंदर यहां पर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आ गई है, इम्यून हो चुका हूं मैं। लेकिन वो वायरस अगर स्प्रेड होता 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 जाता है, फिर 3 महीने के बाद अगर फिर से पलट कर मेरे अंदर आता है तो हो सकता है कि वायरस के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी अलग हो और मेरी इम्यून सिस्टम जो है वो भी चली गई हो, फिर से मैं इन्फेक्ट हो जाऊं। तो ये जो साइकिल है तो चलती ही रहेगी। फिर अभी तक इसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है और इसीलिए इस तरीके के मेजर्स जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो सके, ऐसे मेजर्स यहां पर काफी रिस्की हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है वो दांव पर लग सकती है। हम कंपेयर कर रहे हैं जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है या फिर जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है, हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं कि जहां पर लॉकडाउन लागू नहीं किया गया था लेकिन वहां पर मास टेस्टिंग हुई थी, कम से कम समय में कितने लोग इन्फेक्ट है ये वहां पर पता लगाया गया था, ऐसे ही सब कंट्रीज में हो रहा है। तो यहां पर कोई ना कोई वो चीज अगर लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं तो वो कंट्री कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि वो पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी आइसोलेट कर सके, पेशेंट्स को जो बाकी के लोग हैं उनसे यहां पर इलिमिनेट कर सके। तो यहां पर ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा। और कितना भी छोटा वायरस क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका डेथ रेट कितना भी कम क्यों ना हो, अगर एक भी इंसान मर रहा है फिर भी उसे प्रिवेंट करने के लिए हमने यहां पर काम करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज को लॉस हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप वो इमेजिन कीजिए कि अगर हम सब कुछ खोल देते हैं तो किस तरीके का क्योस हो सकता है। यहां पर कॉम्पिटिशन लगेगी कि कौन यहां पर जो हॉस्पिटल है उसमें जा सके, किसको बेड मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, हमें कंपेयर करना ही है। फिर सब इसमें कंपेयर कीजिए, यूएसए में इतने हाई टैक्सेस है, फिर इंडिया में भी उतने ज्यादा टैक्सेस होने चाहिए। हम किसी भी देश के साथ इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के हालात अलग है, यहाँ के लोग अलग है, यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है। करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं हो सकती है, खासकर इंडिया में जहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरी चीज कि यहां पर फिर सोल्यूशन क्या होगा, लॉकडाउन क्या हम हटा सकते हैं? जी नहीं, लॉकडाउन हम कंप्लीटली नहीं हटा सकते हैं। लॉकडाउन को यहां पर हमें डायनेमिक रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे एरियाज जहां पर कम केसेस है वहां पर थोड़ी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को छूट दे सके, और जहां पर बहुत ज्यादा केसेस है वहां पर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके। उसी के साथ साथ हम पूल टेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 100 वर्कर्स का एक साथ ब्लड सैंपल ले लिया जाए, ठीक है, या फिर जो भी टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग करनी है वो एक साथ ले ली जाए। हम यहाँ पर ब्लड सैंपल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी जाए। तो हमने एक डब्बी में ब्लड सैंपल सबका ले लिया और फिर उसके बाद उसका टेस्ट किया, अब वो नेगेटिव आता है, मतलब 100 के 100 जो वहां पर वर्कर्स है वो सभी यहाँ पर नेगेटिव है, उनको कोरोना वायरस नहीं है, बिंदास वहां पर काम कर सकते हैं। ऐसे अगर हम 14 डेज में 20 डेज में अगर यहाँ पर के जो सैंपल्स है वो लेकर टेस्ट करते रहे तो आसानी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वहां पर चलती रहेगी। और दूसरी चीज यह है कि जहां पर अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि उनमें से किसी को तो भी पॉजिटिव है, तो फिर उन्हें यहाँ पर आइसोलेट किया जाए, फिर उनकी इंडिविजुअल टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर की जाए, ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जहां पर बहुत ज्यादा केसेस है उसमें ट्रेस करके आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। यही हमें केरला मॉडल में देखने को मिलता है। केरला में उन्होंने क्या किया, वहां पर टेस्टिंग काफी ज्यादा की, जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया, जो ट्रेसिंग है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब अगर मुझे कोरोना वायरस है मैं किस किस से मिला हूं, तो जितने ज्यादा लोगों को आप ट्रेस कर सको उतना आसान रहेगा आपको जो ट्रेसिंग है उसके हिसाब से वायरस जो है उसे कर्टेल करना। तो यही यहां पर केरला ने किया, जहां पर एक टाइम पर बहुत ज्यादा केसेस थे अब वहां पर नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब केसेस जो है कम होते जा रहे हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहाँ पर सब कुछ खोलकर, जो केरला है उसने यहाँ पर अटेंड नहीं किया कि हमने हर्ड इम्यूनिटी अटेंड कर ली है, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन के साथ यहाँ पर क्या किया, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इस तरीके के किए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस तरीके की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से किया कि उन्होंने यहाँ पर केसेस जो है कंप्लीटली आइसोलेट कर दिए, जिससे कि केसेस कंप्लीटली इलिमिनेट हो गए। तो इसी तरीके का मॉडल जो है वो भी हमें पूरे देश में अपनाना चाहिए। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो लाइवलीहुड है, जो लाइवलीहुड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लाइवलीहुड लोगों की रहना चाहिए, तो इसके लिए सरकार को अब आगे जो मेजर्स है वो इकोनॉमिक मेजर्स काफी ज्यादा लेने चाहिए। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में हमने बात की थी कि वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए तब सबका बेनिफिट होगा। वेल्थ क्रिएशन कैसा होगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके। तो सरकार ने अभी वही तो चीज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है उनको कंप्लीट छूट दे रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर जो है सीधा इन्वॉल्व हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो वेल्थ क्रिएशन है वो होगा और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज होगी ही।
तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है सॉल्यूशन के तौर पर। इकोनॉमिक सॉल्यूशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। खास आज के इस वीडियो में मुझे हर्ड इम्यूनिटी और लॉकडाउन इसके बारे में बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।